हेलो फ्रेंड्स, एक राजा एक दिन अखेट के लिए जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक गरीब किसान पे पड़ी जो किसी की भूमि पे काम कर रहा था। उन्होंने रोका रथ को और उससे कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पैसे वाला बनाना चाहता हूँ। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है उससे भी अधिक सारी भूमि मेरी है। तुम जहाँ तक दौड़ के चल के जा सकते हो जाओ, वो सारी भूमि तुम्हारी मैं दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। शर्त इतनी है कि तुम वहां पे एक निशान बना के वापस तुम्हें शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले यहीं लौटना होगा जहां से तुमने शुरू किया। बस किसान बहुत खुश दौड़ना शुरू, दौड़ते जा रहा है एक ही आशा कि पैसे वाला बन सकूं, अधिक से अधिक भूमि अपने नाम करवा सकूं ताकि एक सुखमय जीवन जीऊं। अचानक दौड़ते दौड़ते आकाश की ओर नजर पड़ी तो दुखियों की जमीन पे गिर गया। देखा सूरज तो ढलने वाला है, पूरी मेहनत बेकार। समझ गया अब असंभव है कि मैं लौट के वहां तक पहुंच सकूं जहां दौड़ना शुरू किया, और रोने लग गया। एक दुख ये भी था कि अब लोग क्या कहेंगे, मिल गया लालच का फल। अरे घर वाले भी कहेंगे इतना नहीं दौड़ना था, जितनी क्षमता थी उतना दौड़ना था, वगैरह वगैरह। वो कहते कि नहीं वो पता नहीं उसके मन के ख्याल। इस तरह दुखी हो गया। फ्रेंड्स, हम भी अपनी जिंदगी में एक भी ऐसा मौका नहीं चूकते कि जो हमें मिले और हम उसके कोशिश करते हैं कि हम उसे अच्छे से अच्छे अपने परिवार के लिए उसे कर सके पूरा, और हम भी अपनी समृद्ध जिंदगी जिए। और लेकिन सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। अब हमारे पास जैसा अक्सर कहते हैं चॉइस है, या तो हम जो भी हमें मिला है जैसा भी मिला है उसी में गुजारा करें और दूसरों को आगे तरक्की करते देख देख के उन्हें कोसते रहें, देखा ये तरक्की करते हैं हम क्यों नहीं, या हम भी प्रयास तो करते रहें और अगर असफलता मिले तो ये न सोचे लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने से कुछ नहीं होता। हमारे ईश्वर ने दो कान इसीलिए दिए हैं कि अगर जो बातें हमें अच्छी लगे, जो हमारा भला कर सके, उन बातों को हम कान के अंदर यानी हमारे हृदय में रखें और उनसे कुछ सीखें, और जो अनचाही बातें हैं उन्हें दूसरे कान से बाहर निकाल दें। हम लोग तो लोग क्या है, हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। हम सब जानते हैं सावन का महीना है, सब मान्यता है कि भोलेनाथ की जो भी पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है, मन लायक जीवन साथी मिलता है, सब दुख दूर करते हैं। लेकिन अगर शादी होने में देरी हो, या जिनको जीवन साथी उन्होंने दिया भी है और खुशियां दी भी है, और किसी न किसी को तो आगे जाना होता है, तो अगर एक चला गया तो दूसरा, या जिनको जीवन साथी नहीं मिले वो भोलेनाथ को कोसने लगे कि लो आपने ये क्या किया, तो भोलेनाथ क्या करे, ये तो नियति है। स्वयं भोलेनाथ को पार्वती जी का विरह सहन करना पड़ा था, माँ जगदम्बा को कई बार, शक्ति को माँ पार्वती को नया जन्म देना पड़ा था शिव जी को पाने के लिए, ये तो नियति है। फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भी हमें ईश्वर से, हम सिर्फ इतनी प्रार्थना कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भी दिया है उससे हमारे पास रहने दें और हमारी जिंदगी में खुशियों से भर दें ताकि हम अपने परिवार और अपनों के साथ सुखमय जिंदगी जी सके। आशा है मेरे विचार आपको अच्छे लगेंगे और आप इसे अधिक लोगों तक अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे। और नीचे दाहिनी तरफ लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।